दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अंकिता। दर्शकों, नागपुर के 0 माइल से 75 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले काटोल तहसील के पारसिंगा श्री क्षेत्र अनुसुईया माँ के जीवन काल पर आधारित एक स्पेशल स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी श्री क्षेत्र पारसिंगा मंदिर से स्पेशल स्टोरी अनुसुईया माँ तुझे सलाम में। आइए देखते हैं। माँ एक दिव्य विभूति। भारत भूमि पर विदर्भ प्रदेश है। इस विदर्भ में अनेक साधु संत, तपस्वी, योगी, योगिनी आदि ने जन्म लिया और अपना दैवी कार्य करके चले गए। सती अनुसया माता पारसिंगा वासिनी एक दैवी शक्ति है। यह परिसर महाशक्ति के सूक्ष्म वास्तव्य एवं भव्य मंदिर के कारण तीर्थ क्षेत्र ही नहीं बल्कि महाशक्ति पीठ बना हुआ है। इस धरती पर जब भी भगवान किसी को मानव योनि में भेजता है, इसके पहले उसका प्रारंभ ही निश्चित करके भेजता है। अनुसया माँ का जन्म ही मानव कल्याण के लिए हुआ है। अनेक भक्तों ने माँ के चरणों में प्रभु का साक्षात्कार किया है। माँ ने चमत्कारों पर विश्वास नहीं किया, किंतु अपने भक्तों को अपने पास बुलाने और उनमें चेतना जगाने के लिए इस अनूठे मार्ग का सहारा लिया था। कुछ लड़के माँ का मजाक करने लगे तो माँ ने कहा, अरे जहाँ ईश्वर का हाथ नहीं पहुँचता वहाँ मेरा यानी अनुसया माँ का हाथ पहुँचता है, बोल करके वे दुकान से निकल गई। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी श्री उत्तम सोमकुंवर दुकानदार है। माता स्वयंभू है। कारंजा निवासी श्री वाघ गुरुजी माता के निस्मिम भक्त हैं। इन्होंने बताया कि मैं कुछ शिक्षकों को लेकर माँ के मंदिर आया। हमने माता के दर्शन किए, परंतु कुछ शिक्षकों ने माँ के दर्शन नहीं किए थे। इस समय अनुसया माता के श्रीमुख से यह शब्द निकले कि मैं श्री रंगी कमला हूँ। श्री रंगी का अर्थ है श्री अस्ता पंडरीनाथ चिंता किंपी न करावी। कमला यानी विशेष स्त्री। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके सर पर परमेश्वर का हाथ है वह मैं विशेष स्त्री हूँ। माँ स्वयं को श्री रंगी कमला है। यह शब्द माँ को कैसे ज्ञात हुआ, यह आश्चर्यजनक बात है। विश्व रूपिणी महाशक्ति दुर्गा माता लक्ष्मी माता सरस्वती माँ शारदा महामाया श्री पारसिंगा निवासिनी विदेही माँ सती अनुसया है। इन घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि माता अनुसया एक दिव्य विभूति एवं सार्वभौम अलौकिक महाशक्ति है। यदि हम उनके पारिवारिक इतिहास की बात करें तो श्री रामाजी काशीनाथ भक्ते पारसिंगा गांव के मालगुजार थे। रामाजी के पिता धार्मिक एवं वारंकरी पंथ से जुड़े हुए थे। सदा मुख में राम का नाम रहता था।
वे साधु संतों का बहुत आदर एवं सेवा किया करते थे। घर का पूरा वातावरण धार्मिक एवं आध्यात्मिक था। रामा जी की शादी कुछ समय बाद पिताजी के देहांत हुई। पूरे घर का भार रामा जी के सर पर आ गया। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वे हमेशा कहते थे कि श्री राम भगवान मेरा घर सब ठीक कर देंगे। उसी प्रकार रामा जी भक्ते का परिवार आदि शक्ति दुर्गा माता आदि नाथ भगवान शंकर के भक्त थे। उनके घर के पास आदिनाथ शंकर भगवान का मंदिर था। रामा जी के चार पुत्र राजा राम, आनंद राव, सीता राम, नामदेव राव तथा चार पुत्रियां कासुबाई, सरुबाई, वेनुबाई एवं चौथी कन्या अनुसया थी। चलिए हम आपको बताते हैं माँ अनुसया के जन्म की कथा। मेरे राम बाबा नारायणपुर वापस आए, यह समाचार आनाई को मालूम पड़ा और गुरुदेव के दर्शन के लिए माँ आनाई बड़ी उत्सुकता के साथ गई और महाराज ने शिष्य रामा जी की एक निष्ठ भक्ति के संबंध में आनाई के समक्ष स्तुति की। बग्गू बिछुआ के जंगल से साथ लाए गए वन फलों का प्रसाद माता आनाई के पातल के पल्लू में डाल दिया गया। इससे माता आनाई बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन मेरे राम बाबा को माता आनाई दिखी। बाबा ने उसे बुलाया और माता आनाई बाबा के पास आई। उसने बाबा के दर्शन किए। बाबा ने माता आनाई को पानगे बनाने के लिए कहा। उस समय माता ने 10 से 15 गोबर के कंडे प्रज्वलित किए। माता आनाई ने 4 से 5 पानगे बनाए और एक पानगा आनाई को खाने के लिए बाबा ने दिया। यह पानगा प्रसाद स्वरूप खा लिया गया। तब बाबा ने भविष्यवाणी की कि तुम्हें बेटी होगी इस जन्म में और वह जगत की जननी कहलाएगी। बाबा ने आनाई के मस्तक पर हाथ रखा। गुरुदेव कहने लगे कि तेरे खानदान का उद्धार होगा। ऐसी महावाणी का आशीर्वाद दिया। संतवाणी फलने लगी। माँ आनाई के स्वभाव में बदलाव होने लगा। कुछ दिन बाद माता आनाई गरोदर हुई। प्रतिदिन पूजा पाठ एवं गुरुदेव का नित्य दर्शन करने लगी। दिन पूरे होने लगे। अचानक सूर्योदय के समय चैत्र माह बुधवार के दिन 5 मई 1926 को आनाई ने एक तेजस्वी कन्या रत्न को जन्म दिया। रामा जी ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण ने पंचांग देखा और पंचांग देखकर वह आश्चर्यचकित हुए कि इस समय उनके घर पर किसी महाशक्ति का जन्म हुआ है। और आपको बता दें कि ये महाशक्ति कोई और नहीं बल्कि पंचांग से इस बालिका का नाम निकला माता अनुसया। बालिका के जन्म से मेरे राम बाबा बहुत प्रसन्न हुए। नामकरण संस्कार का कार्यक्रम 12वें दिन रखा गया। इस दिन मेरे राम बाबा श्री रामा जी के घर आए। घर के छप्परी में बैठे उस समय नवजात बालिका रो रही थी। महाराज के आने से इस बालिका का रोना थम सा गया। कुछ महिलाओं ने नवजात शिशु को झूले में डाला। अनुसया नाम के गीत गाने लगे और माँ को झोंका देने लगे। घर वालों ने महाराज की पूजा अर्चना की। माँ अनाई ने नवजात शिशु को महाराज की गोद में डाल दिया। अनुसया और महाराज की नजरा नजरे हुई और योगी महाराज के तेजस्वी मुख मंडल को देखकर नवजात शिशु माँ अनुसया मन ही मन हंसने लगी। बाद में महाराज ने बालिका अनुसया को आशीर्वाद देकर वहां से चल दिए। माँ अनुसया का जन्म साधु संतों के आशीर्वचन से हुआ है। अब आपको बताते हैं माँ अनुसया का विवाह। भगवती अनुसया बचपन से ही देवधर्मी थी। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। शारदा यानी कि सारडा पील आने वाला है, इसकी जानकारी रामा जी को होने लगी। एक ही मंडप में 4 कन्या एवं एक लड़के का सन 1929 में सामूहिक विवाह रचाया गया। माँ अनुसया की 3 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी भाग्यवंत जावाई श्री जंगलू जी खंडाइत से कर दी गई। श्री जंगलू जी के पिता राजा राम खंडाइत मुक्काम बग्गू बिछुआ
जिला छिंदवाड़ा के मूल निवासी से हुई। वे नर्रू पटेल के यहाँ रहते थे। उसके बाद मुक्काम उमरी कारंजा घाड़गे गांव जिला वर्धा के काश्तकार एवं निवासी बन गए थे। श्री जंगलू जी रिश्तेदार के आग्रह पर उमरी गांव में रहने आने लगे। माता अनुसया 13 वर्ष की हुई, उसे उमरी गांव ले गए। गांव में माता जी की पूजा पाठ वे करती थी। अनुसया का मन घर संसार में नहीं लगता था। माँ हमेशा अपनी ही धुन में विरस्त रहती थी। अब जानते हैं उनके सांसारिक प्रपंच से मुक्ति का मार्ग उन्हें कैसे मिला। अनुसया सास ससुर के साथ रहने लगी। कोमल आयु में ही माँ अनुसया से बहुत कार्य करवाए गए। अनुसया माता का मन सतत विठल विठल नाम स्मरण में लगा रहता। हमेशा माता धुन में बड़बड़ करती रहती और नाचने लगती थी। जगदम्बा अनुसया जीवन मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी। इस प्रपंच से कैसे दूर रहा जाए, माता ने यह मार्ग खोज लिया था। माँ ससुराल में समय रहते मारुति के मंदिर के सामने सोहमनाथपुरी नाम के सिद्ध पुरुष की समाधि है। समाधि और मंदिर के बीच में रास्ता है। समाधि के पास ही पीपल के दो बड़े वृक्ष हैं। माता अनुसया प्रतिदिन नियम से सुबह शाम को मारुति के मंदिर के समीप समाधि मंदिर एवं पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करती थी। माता कभी समाधि के पास तो कभी मंदिर में, कभी खेत में दिखाई देने लगी। माता का व्यवहार एवं रंग ढंग सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार ठीक नहीं था। इस कारण कुछ लोग आपस में उनकी निंदा टीका टिप्पणी का कार्य किया करते थे। माता नित्य पूजन, सूर्य की ओर देखकर ध्यान करना, यह क्रिया माता को किसी ने नहीं सिखाई थी। यह माता के पूर्व जन्म के दिव्य संस्कारों का आभास देती थी। माता अनुसया को भजन, ओवी, अभंग, जाता यानी कि पाटन की चक्की के गीत गाने की आदत थी। किसी भगवान को संबोधित कर माता ओवी या अभंग गाना गाने लगती थी। अनुसया माँ मिष्ठान या अन्य जायकेदार पदार्थ पसंद नहीं करती थी। माता हमेशा प्याज ज्वारे की रोटी का अप्रतिम भोजन ही सेवन किया करती थी। भोजन का अधिकांश भाग माता कुत्ते बिल्ली आदि को खिलाना और जो बच जाता था वह स्वयं ग्रहण करना पसंद करती थी। यह माना जाता है कि जिसका प्रपंच में मन नहीं उसका परब्रह्म परमात्मा में मन लगा रहता है। यह स्थिति माँ अनुसया की सदैव रही। विदेही अनुसया में परब्रह्मा परमात्मा की स्थिति निर्मित हो रही थी, क्योंकि माता के द्वारा कहे गए शब्द भी परमेश्वर नहीं डालते थे। हमें उसी देवता की स्तुति एवं पूजा करनी चाहिए जो समस्त जीवों को पावन करने वाले हैं। भगवान शिव समस्त जीवों के हृदय में स्थित हैं, अर्थात भक्त के मन में कल्याणी ओम शिव अनुसया माँ विराजमान है। सती अनुसया अवतार। मानव को सर्वनाश में गिरने से पूर्व उलटने का चमत्कार करना यही अवतार है। सामान्य संकट को मानव स्वयं निपट लेता है, परंतु असामान्य संकट की स्थिति निर्माण हो जाती है उस समय स्वयं सृष्टा को सक्रिय होना पड़ता है। इस कठिन कार्य को माँ अनुसुया ने स्वयं कराया है। यही अवतार प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है और आदिकाल से अब तक मनुष्य ने अनेक अवतार भी देखे हैं। अवतार प्रक्रिया का चमत्कार ही यह है कि वह असंभव को संभव बना देती है। अवतार का मुख्य कार्य अपने काल में अदृश्य वातावरण को उच्च स्तरीय बनाता है। मनुष्य को प्रमाणित करने वाली एक ही शक्ति है, वह है माँ अनुसुया, माँ पर श्रद्धा। दिव्य सत्ता का नया अवतरण या अवतार ऐसी विषम परिस्थितियों में ही प्रकट होते हैं। अनेक समस्याओं का समाधान करने वाली शक्तियां भी अनेक महामानवों में भी प्रकट होती हैं। जैसे साईं बाबा श्री गजानन महाराज श्री दादाजी धुनीवाले के रूप में ही हो रही है। यही स्थिति अनुसया माँ की रही है।
कई लोगों के मां ने संकट दूर किए, कई लोगों को धन संपत्ति से सुखी बनाया है। अनुसुईया मां से लाभान्वित होने वाले मां को उसी श्रद्धा भाव से देखते हैं जितने की धर्म क्षेत्र में अवतारी पुरुष देखे जाते हैं। अनुसुईया माता ईशावतार थी। माता ने किसी को प्राणायाम, हठ योग, आसन, जप, तप, तंत्र यंत्र आदि की उपासना करने के लिए नहीं कहा। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की उपासना करना ही सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ है। इसलिए अनुसुईया गुरु माँ की भक्ति करनी चाहिए। इससे गुरु माता ही नहीं ईश्वर भी द्रवित होते हैं। इस धरती पर माता ही श्रेष्ठ है। अनुसुईया माता का निवास एवं कार्य के बारे में दर्शकों हम आपको बताने जा रहे हैं। माता आत्मस्वरूप में तल्लीन रहकर दुखी लोगों का दुख दूर करने का कार्य किया करती थी। जब माँ नारायणपुर के मंदिर में रहती थी, उस समय गांव में किसी के घर कोई संकट आए तो वहाँ जाकर दुखी को संकट से मुक्त कराती थी। गांव का लोहार दाढ़ दर्द से बहुत परेशान था। उसके घर जाकर उसके दर्द की जगह पर एक थप्पड़ मारकर उसका दाढ़ दर्द ठीक हुआ। उसी प्रकार एक बालक अन्न पाचन से बहुत ही त्रस्त था। माँ सुबह उसके घर गई। बालक भोजन करने बैठा ही था, माता थाली का पूरा भोजन फेंक दिया। यह बालक ठीक होगा, यह शब्द बोलकर चली गई। बाद में बालक ठीक से भोजन करने लगा और धीरे धीरे स्वस्थ हुआ था। दर्शकों, अब हम आपको अनुसुईया मंदिर की स्थापना के बारे में बताने जा रहे हैं। अनुसुईया माता कहीं पर सोया कहीं पर भी बैठ जाती थी। जिस प्रकार श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा था, उसी प्रकार माता अनुसुईया ने अनेक वर्षों का वनवास सहन किया है। दिनों दिन भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी थी, अतः गांव के लोगों ने बाजार चौक में मां के मंदिर के लिए स्थान निश्चित किया। सन 1968 में अनुसुईया माता का मंदिर बनाया गया। अनुसुईया माता इस मंदिर में रहने लगी। दिनों दिन लोगों की दर्शन के लिए भीड़ बढ़ रही थी, इसलिए सन 1992 में दशहरे के दिन अनुसुईया माँ का आगमन टीन के शेड में हुआ। इस जगह पर अष्टकोणी मंदिर बना हुआ है। यह माँ अनुसुईया की गादी आसन है। माता का समाधि मंदिर इसी के कुछ दूरी पर बना हुआ है। माता अनुसुईया अजब वैद्य एवं भविष्य वेता भी थी। नारायणपुर में माता का प्रारंभिक निवास रहा है। माता ने दुखी व्यक्तियों के घर जाकर दुख दूर किए हैं। माँ की अमृतवाणी से, पत्थर मारने से, माँ द्वारा फेंके गए प्रसाद से, उदी खाने से, दृष्टिक्षेप करने से कई लोगों के रोग एवं दुख दूर हुए हैं। बाधाएं अड़चने दूर हुई, भूत प्रेत की बाधाओं से छुटकारा मिला है, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव भक्तों को हुए हैं। माँ अनुसुईया भगवती के चरण भक्त के घर लगने चाहिए, इसलिए भक्त लोग स्वयं घर ले जाने लगे। माँ के घर में चरण लगने से अनेक भक्तों का भला ही हुआ है। माता जिस किसी के घर जाती थी वहाँ कुछ न कुछ वस्तुएं छोड़ देती थी, जैसे पातल, चूड़ी, खारी, बादाम, नारियल, हार आदि। यह माता जी ने उस घर को दिया हुआ कृपा प्रसाद माना जाता था। आज भी इन वस्तुओं को भक्तों ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा हुआ है और बड़े श्रद्धा भाव से पूजन दर्शन करते हैं। माताजी हमेशा कहती थी, मुझे बगल में लेके चल। लोगों को माँ की यह अमृतवाणी अजब सी लगती थी, परंतु इसका अर्थ यह था कि मुझे स्पर्श करो। माताजी का स्पर्श जिनके भाग्य में था उसे ही अवसर प्राप्त होता था, अन्यथा जोर से चिल्लाकर वह तिकड़ यह बोलकर नाराज हो जाती थी और वह स्थान छोड़कर पैदल निकल जाती थी। माँ भगवती अनुसुईया को स्पर्श पारस पत्थर के समान था तथा अमृत तुल्य माना जाता था। भाग्यवान लोगों को ही माँ अनुसुईया ने स्पर्श का अवसर दिया है। यह भी माता जी की कृपा प्रसाद था। अनुसुईया माता ममता की प्रत्यक्ष मूर्ति थी। परमेश ही अनुसुईया माता की लोगों के दुख कष्ट दूर करने की लीला ही न्यारी थी। कभी कभी दीपक पर कागज, नारियल की बुची, फूल माला के धागे को जलाया करती थी।
यह उनकी अजबी लीला थी। माँ जलाने की क्रिया को आंखों से देखकर हंसती थी। अनुसुया माता भविष्य वेता है। किसी भक्त पर आने वाले संकट आदि की पूर्व सूचना माता भगवती देती थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सन 1964 में देहावसान हो गया था, तब माँ के आंखों में आंसू आए थे और देश का दिया बुझ गया कहने लगी। बाद में आकाशवाणी के समाचार से पता चला कि नेहरू जी गुजर गए। इंजीनियर विठ्ठलराव ढोले यह नागपुर रहते थे। माता ने उनके स्वप्न में जाकर चोरी की सूचना दी। दूसरे दिन ढोले जी को तार से सूचना मिली कि घर में चोरी हो गई। माता अंतर्यामी हैं। आज भी अनेक भक्तों को सपनों में माँ मार्गदर्शन एवं आने वाले संकटों की जानकारी देती रहती है। विठ्ठलराव ढोले माता को परब्रह्म विदेही माता जगदम्बा का रूप मानते हैं। एक बार माता ने विठ्ठलराव ढोले की गुम हुई सोने की अंगूठी लाकर दी और कहने लगी, सोने की वस्तु ठीक रखने के लिए कहाँ? सोने की वस्तु ठीक रखने के लिए कहाँ? मंदिर के पास एक श्वान मृत पड़ा था। चैतु मेहतर ने उठाकर नाले किनारे डाल दिया। यह दृश्य माँ देख रही थी। माँ नाले के पास गई, मृत श्वान के बच्चे को उठाकर मंदिर में लाया और उस पर पातल का पल्लू डाल दिया। उससे कहने लगी, उठ बापू उठ, और मृत श्वान का पिल्ला उठ कर चल दिया। ऐसी एक घटना निम्बी गांव की है। उस गांव में माँ का कार्यक्रम था। माँ के साथ उत्तम राव सोमकुंवर थे। एक गाय मृत हो गई थी, इसका माँ को पता चला। माँ इस गाय के पास गई और उस पर पानी डाला और कुछ पुटपुटने लगी। कुछ समय पश्चात मृत गाय जीवित हुई। महाशक्ति सदगुरु अनुसुया माता की जय। आइए अब जानते हैं माता अनुसुया की अद्भुत लीलाएं। भगवती अनुसुया माता अष्ट सिद्धि नव विधि की त्राता है, इसलिए माँ ने ऐसी अद्भुत लीलाएं जनता को दिखाई जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते थे। माँ अनुसुया ने अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए विभिन्न सिद्धियों एवं योग साधना का प्रयोग किया। माँ की योग साधना एवं तपश्चर्या असाधारण थी। योग साधना एक ऐसा शब्द जिसका उच्चारण करते ही किसी चमत्कारिक शक्ति का बोध होता है। ऐसी धारणा है कि प्राचीन काल के योगी ऋषि तत्वदर्शी महापुरुषों ने साधना के बल पर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पर विजय पाई थी। योग साधना द्वारा कठिन क्रियाएं करना अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह अलौकिक शक्ति अनुसुया माँ के पास थी। माँ के द्वारा अद्भुत लीलाएं की हैं, उन प्रसंगों का वर्णन किए जाना आवश्यक हो गया है जो ईश्वरीय साक्षात्कार से कम नहीं। इन साक्षात्कारों से ईश्वर की सत्या एवं उनकी अनुभूति होती है। इन साक्षात्कारों से ईश्वर की सत्ता एवं उनकी अनुभूति होती है। माँ अनुसुया ने विभिन्न आवरण पहनकर बहुरूपियापन धारण किया था। जिसने भी माँ अनुसुया का अनुभव किया उसे हर कोई प्रभु की प्रतिमूर्ति मान रहा है। यदि असल में यही प्रभु का साक्षात्कार है। मानव जीवन का सर्वोच्च एवं अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। सती त्रेता एवं द्वापर युग में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनेक साधनों का उपयोग किया गया और कलयुग में केवल ईश्वर के गुणों का वर्णन श्रवण कीर्तन से कोई भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह सभी वर्गों के लिए माता की उपासना का साध्य है। माँ के कांच की चूड़ियों का भक्षण। पारशिंगा गांव में माता अनुसुया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माता दूसरों के घर जाकर भीख मांगती और कहती, मेरे लिए कुछ भी ले आओ। अनुसुया की यह आदत देखकर माता अनाई रोने लगती और माता अनाई माँ अनुसुया से कहती थी, बेटी तुझे क्या कमी है, तू अपने घर पर ही रहते जा, तू
भीख मांगना छोड़ दे। माँ ने एक दिन माता अनाई से कहा, माँ तूने मेरे लिए क्या लाया है वह मुझे पहले दे। मैंने तेरे लिए चूड़ियां लाई हैं, ऐसा अनाई ने कहा। माँ को दिए गए कांच के कंगन पूरे के पूरे उसने कचाकच खा लिए। यह यौगिक क्रिया का दृश्य माता अनाई को दिखाया था। माँ कूड़ा करकट कचरा आदि विश्व तुल्य पाचन करने वाली महाशक्ति स्वामिनी थी। भिक्षा मांग कर माँ ने अपना अहंकार लोभ आशा इन सब का नाश किया था। भगवती अनुसया माता साक्षात ब्रह्म स्वरूपिनी जगदम्बा है, इसका ज्ञान माता अनाई को हुआ था। माता अनाई के उदर से दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ है। माता अनाई धन्य है। आइए अब जानते हैं जीवना नदी की घटना। माँ पारतशिंगा गांव के जीवना नदी किनारे बारंबार जाती थी। माँ अनुसया अपनी युवा अवस्था में सटवा माँ के मंदिर के पास भी जाया करती थी। यहाँ पर कांच कूड़ा कचरा घास पड़ा रहता था। इस जगह पर कोई व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता था, पर माँ वहां जाती थी, ऐसे विचित्र लीलाएं करती थी और इन हरकतों को देखकर कोई माँ को पागल कहता तो कोई माँ को देवी मानता। एक दिन माँ नदी किनारे घास निकालने बैठ गई। घास उखाड़ते उखाड़ते उनके हाथ में एक डोमा नाग आ गया। सांप के साथ माता बातें कर रही थी। अरे तू तो महादेव के गले का हार है, तू मेरे हाथ आ गया, अब हम दोनों सखे हुए। ऐसा कहते कहते माँ ने सांप को पकड़ लिया। सांप ने माँ के पैर को काट लिया और खून बहने लगा। माँ के हाथ में सांप लिपट गया। उसे माँ बार बार काटने के लिए कह रही थी। कुछ देर के बाद सांप वहां से निकलकर चला गया। माँ भी मारुति की मंदिर पर आ गई, मंत्रोपचार शुरू किया, परंतु माँ ने किसी की ना सुनते हुए वहां से चल दी। कुछ समय पश्चात माता अनुसया ठीक हो गई। संत मीराबाई के समान माँ ने विष को पचाया है। माँ का यह अष्ट सिद्धि ही चमत्कार कहलाया। लोग इस चमत्कार से माँ का भजन पूजन एवं जय जयकार करने लगे। अब जानते हैं माँ की अवधड़ अग्नि परीक्षा के बारे में। माँ बस स्टैंड पर हमेशा जाया करती थी। बस स्टैंड पर स्वर्गीय वामन राव येवले का होटल था। होटल में चूल्हे पर कढ़ाई रखी हुई थी। कढ़ाई में गरम तेल था। भजिया निकालने के लिए बेसन के डोले डाले गए। उसी समय माँ अनुसया होटल गई और गरम तेल में हाथ डालकर भजिया निकालना शुरू कर दिया। दिन निकला कि माँ हर दिन कचरा कागज इकट्ठा करती रहती, उसे चूल्हे में डाल देती। एक दिन सुबह चप्पू जेवार ने चूल्हे पर कढ़ाई रखी, उसमें भजिया निकालने के लिए तेल डाला। तेल बहुत गर्म हो गया और कढ़ाई में भजिए तले जा रहे थे। माँ चंपू के होटल आई। माँ के साथ उनके 8-10 भक्त भी थे। माँ ने कढ़ाई में हाथ डालकर भजिए निकाल लिए और फेंक दिए। सभी लोग इस दौरान माँ की तरफ देख रहे थे। माँ के हाथ पर न तो कोई जलने का फोड़ा था और न ही छाला। इस घटना से चप्पू जेवार का भी माँ पर विश्वास बैठ गया। चप्पू जेवार के परिवार को माँ ने सुखी कर दिया। मंदिर परिसर में आज भी ये होटल। झाड़ पर गिरी आकाशीय बिजली का चमत्कार। बरसात का मौसम था, पानी जोर से आ रहा था। अनुसया माँ गांव के पुराने मंदिर में आसन पर लेटी थी। आकाश में बादल की जोरों से गड़गड़ाहट के साथ बरसात शुरू हो रही थी। लोग इधर उधर छिप रहे थे। कुछ लोग माँ अनुसया के मंदिर में आकर रुक गए थे। भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ही बिजलियां चमक रही थी। एक बिजली जोर से आवाज के साथ कड़कड़ाई। तत्काल माँ अनुसया आसन से उठकर बैठ गई। बिगड़े आकाशीय वातावरण को ठीक करने के लिए माँ ने हाथ ऊपर उठाया और एक बिजली चमकते कड़कड़ाते हुए मंदिर में माँ के फोटो तक गई।
फोटो में दरार पड़ गई थी। इस समय कुछ पक्षी भी मारे गए थे। बिजली को आकाश में लौटने के लिए माँ ने उस बिजली को अपनी जीप पर लिया और वह बिजली पुनः आकाश में वापस चली गई। इस प्रकार बिजली को शांत करते हुए माँ ने मंदिर में बैठे लोगों के प्राण बचाए हैं। बिजली की शक्ति को महाशक्ति ने वापस किया है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी श्री रामराव वरोकार है। यह घटना 6 अक्टूबर 1983 की है। माँ की कृपा से भक्तों का भयंकर संकट चल गया था। माँ को भक्त कहने लगे, माँ तूने हमारे प्राण बचाए हैं। इस चमत्कार से माँ लोगों का गुणगान होने लगा। माता की बड़ी महिमा है। लोग बस माँ के ही जयकारे लगाने लगे, माँ का ही गुणगान करने लगे। माँ की आकाशीय तत्व पर सत्ता है। पंच महाभूतों की शक्ति पर माँ अनुसया का अधिकार है। इस समय माता का जयकारा भक्त करने लगे थे। तो दर्शकों, अब हम आपको बताने जा रहे अनुसुया का अंगरक्षक नागोश्वान था। अनुसुया माता का प्राणी मात्र पर बहुत ही प्रेम था। माँ के मंदिर में प्रतिदिन 4 से 5 कुत्ते आस पास बैठे रहते थे। माँ जब गांव भ्रमण के लिए निकलती थी तो इन कुत्तों की फौज भी माँ के साथ चलती थी। अनुसुया माता का श्वान पर अप्रतिम प्रेम था। जैसा एक माता अपने पुत्रों से स्नेह ममता करती है, ठीक वैसा माता अनुसुया का कुत्तों से ममता भरा प्रेम था। कुत्ते के पिल्ले को पातल के पल्लू में ढकना, उस पर हाथ फेरना, उसे सुलाते समय गाने गाना, माता का मानव जीव पर जैसा प्रेम था वैसा ही प्रेम प्राणी मात्र पर था। स्वयं माता कुत्तों के मुंह को अपना मुंह लगाना, उसका चुम्मा लेना, उन्हें खाना खिलाना, इसलिए कुत्ते माँ के साथ ही रहते थे। माँ के साथ रहने वाले कुत्ते सदैव उसके आजू बाजू अंग रक्षक जैसे बैठे रहते थे। जब माता जी खड़ी हो जाती थी तो कुत्ते भी उठ कर खड़े हो जाते थे। माँ जब चलने लगती तो कुत्ते भी उनके साथ चलने लगते थे। इनमें से कुछ कुत्ते इधर उधर निकल जाते थे, परंतु इस फौज में नागो नाम का ईमानदार श्वान था। वह सदैव माँ के साथ ही रहता था। माँ उसे मराठी में बात किया करती थी। एक दिन की घटना है, नागो कुत्ता अचानक बीमार पड़ गया। यह कुत्ता ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था। माँ के आसन पर जाकर सो गया। उसकी मृत अवस्था हो गई थी। मृत नागोश्वान पर माँ का ध्यान गया। माँ उससे कहने लगी, उठ जा, तू उठ जा। माँ की आवाज से कुत्ता नहीं उठा तो माँ ने उस पर दूसरा उपचार किया। माँ ने मृत श्वान के शरीर पर पातल का पल्लू डाल दिया। माँ ने पुनः कुत्ते को 1-2 बार उठा जा करके आवाज दी और उसके मृत शरीर पर 3 से 4 बार हाथ फेरा। माँ उससे कहने लगी, उठ जा नागो, उठ जा नागो, घूम के आ जा, कुछ खाना खा ले, सो मत जाना। ऐसा कहते ही नागोश्वान उठकर खड़ा हुआ। नागोश्वान जीवित हुआ और माँ अनुसया के हाथ पैर चाटने लगा। माँ अनुसया की कृपा बेजुबान कुत्ते पर रही है। सभी लोग इस घटना को प्रत्यक्ष देख रहे थे। सबका ध्यान नागो कुत्ते पर था। माँ भगवती ने मूक प्राणी को जीवन दान दिया। बैठे हुए भक्तगण माँ की जय जयकार करने लगे। जंगल में माँ की तपश्चर्या के समय माँ के साथ अंगरक्षक के रूप में नागो कुत्ता ही रहता था। माता अनुसया के पास संजीवनी विद्या थी। माता का यान वामनराव येवले। आखिरकार माता का यान वामनराव येवले को क्यों कहा गया, आइए दर्शकों इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। स्वर्गीय श्री वामनराव येवले माता के निस्सिम भक्त थे। माता की सेवा में वे जीवन पर्यंत रहे। मंदिर समिति ने वामनराव को पुजारी बनाया था। माता अनसुया वामनराव से आयु में छोटी थी। दोनों बचपन में साथ साथ खेले हैं। माता अनसुया को बाई नाम से पुकारते थे। यह समझ से परे है कि वामनराव एवं माता का रिश्ता क्या था। वामनराव जो कुछ माता को कहते थे उसमें से अधिकतर बातें माता सुनती थी। जैसे माता को
वामन राव कहती थी कि बाई साल ना, माता उठकर वामन राव के बगल में बैठ जाती थी और वामन राव उसे घुमाते थे। वामन राव येवले ने माता को अनेकों बार प्रश्न किया कि बाई तू सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है, सबका भला करती है, परंतु मुझ पर कब कृपा करेगी। प्रत्येक समय एक ही उत्तर माता का रहता था, अगले जन्म में तेरा अच्छा ही होगा। अनुसुईया माता से अधिक समय वामन राव के बगल में बैठकर चलती थी, इसलिए वामन राव को अनुसुईया का वाहक या माता का घोड़ा या माउली का यान कहते थे। वामन राव ने किसी भक्त की ओर से प्रश्न माता को पूछा जाता था तो माँ उसका उत्तर तुरंत देती थी। श्री वामन राव के द्वारा माँ को पूछे गए प्रश्न के उत्तर से अनेक भक्तों का भला हुआ है। अनुसुईया माँ की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। शिव भार्या वही सती अनुसुईया माता पारट सिंघा में पूरे अंगों के साथ प्रकट हुई है। अतः पारट सिंघा शक्ति पीठ ही नहीं है, यह महाशक्ति पीठ है। सती अनुसुईया माता पराशक्ति है। पराशक्ति की उपासना पराभक्ति में आता है। श्री क्षेत्र पारट सिंघा महाशक्ति पीठ सती अनुसुईया माता पराशक्ति एवं पराभक्ति का त्रिवेणी संगम है। माता का उत्पन्न समस्त जीवों पर दया भाव रहता है, हमेशा शुभ प्रेरणा देती है। इसलिए ऐसी स्वतंत्र सच्चिदानंद सती अनुसुईया माता का ध्यान एवं भक्ति करनी चाहिए। कलयुग में अनुसुईया माँ की भक्ति सर्वश्रेष्ठ एवं सफल जीवन का साधन है। फलश्रुति। इस ग्रंथ का पठन इच्छानुसार पूर्णिमा, पुण्यतिथि एवं माँ जयंती के दिन या प्रतिदिन करना चाहिए। श्रद्धा एवं भक्ति अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। महाशक्ति सदगुरु अनुसुईया माता की जय। नागपुर के 0 माइल से 75 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले इस माँ अनुसुईया जी के मंदिर में प्रतिदिन दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। हर कोई अपनी इच्छा अनुसार सेवाएं देता है। इसी क्रम में नागपुर के श्री मंगलदीप बैंड पार्टी के संचालक लहानो इंगड़े और उनके परिवार द्वारा सिर पर माँ के लिए चढ़ावा लाया गया है। लहानो इंगड़े इन पर खास तौर पर माँ की असीम कृपा बनी हुई है। माँ के लिए जयकारा लगाते हुए श्री मंगलदीप बैंड पार्टी के कलाकार माँ के गुणगान माँ के गानों से करते हुए आगे आगे बढ़ रहे थे। लहानो इंगड़े, कविता इंगड़े, महेंद्र वाकुड़ीकर और अन्य भक्त माँ के लिए अपने सिर पर चढ़ावा लेकर आधा किलोमीटर की पैदल यात्रा बैंड बाजे के साथ पूरा कर रहे थे। तो वहीं मंदिर के हर हिस्से में बड़ी संख्या में माँ के भक्त भी दिखाई दे रहे थे। माँ अनुसुईया के मंदिर प्रांगण में आए हुए महिला भक्त माँ के लिए ओटी भर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। श्री मंगलदीप बैंड पार्टी के संचालक एवं माँ अनुसुईया के लाडले बेटे लहानो इंगड़े, इन्होंने सपत्नीक माँ की पूजा अर्चना की तथा माँ का सब पर असीम कृपा बनाए रखे और सब तरफ अमन शांति भाईचारा बनी रहे, यही दुआएं माँ के चरणों में लहानो इंगड़े इन्होंने की है। इस मौके पर अनुसुईया जी के अद्भुत लीलाएं चमत्कारों के बारे में माँ के दूसरे लाडले बेटे उत्तम भाव सोम कुंवर, महेंद्र वाकुड़ीकर, कविता इंगड़े के साथ ही साथ अन्य भक्तों ने भी माँ के चमत्कार के बारे में हमारे संवाददाता संजय मीरे इनसे बातचीत की। आइए देखते हैं इनसे बातचीत के कुछ अंश। बाइट प्लस पीटीसी संजय मीरे। माँ के चरणों में तमाम लोग यही वंदना करते हैं। वंदन कर रहे हैं हम, भाग्य हमारे उज्जवल कीजिए। वंदन कर रहे हैं हम, वंदन कर रहे हैं हम, भाग्य हमारे उज्जवल कीजिए। हे माँ तन मन हमारा भाव भक्ति से भर दीजिए। हे माँ तन मन हमारा भाव भक्ति से भर दीजिए। महेश्वरी दुर्गे हे माँ प्रियजनों की देवी हो, तीनों लोक की रक्षा करने वाली शिवा हो। मोक्षदायिनी अनुसुईया माँ आप पराशक्ति अम्बा हो, संसार की उत्पत्ति संहारक आप ही जगदम्बा हो।
त्रिपुर सुंदरी आप ही चंडिका मातंगी हो, अजिता विजया जया मंगला आप विलासिनी हो। माता कामधेनु रूप में आप घोर आकार धारक हो, अपराजिता रूप में आप ही नित्या महाविद्या हो। शरणांगतों की पालक आप लक्ष्मी सरस्वती हो, वेदांत में परमात्मा आप ही ब्रह्मांड की ब्रह्मणी हो। वंदन कर रहे हैं हम भाग्य हमारे उज्जवल कीजिए, वंदन कर रहे हैं हम भाग्य हमारे उज्जवल कीजिए। हे माँ तन मन हमारा भाव भक्ति से भर दीजिए, हे मन तन मन हमारा भाव भक्ति से भर दीजिए। महाशक्ति सद्गुरु अनुसुया माता की जय। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम पारट सिंगा निवासिनी यानी अनुसया माँ के दरबार में आ चुकी है। हम आपको बता दें कि काटो तहसील के अंतर्गत आने वाले ये वही पारट सिंगा का पावन मंदिर और पावन ऐतिहासिक ये जगह है, जहाँ पे आज हजारों भक्तों का तांता माँ के दर्शन के लिए लगा हुआ है। नागपुर से श्री मंगलदीप बैंड पार्टी के संचालक लहानू इंगले, सौ कविता इंगले खास तौर पर माँ के भेंट के लिए यहाँ पे आए हुए है, प्रसाद लेके आए है, कुछ माँ के चरणों में वे माथा टेकना चाहते थे, इसलिए वे लोग आए हैं। माँ के साथ साथ तमाम हजारों लोग नागपुर शहर के कई ज़िलों से यहाँ पे आए हुए हैं, या ये कहें कि कई राज्यों से, भारतवर्ष से कई श्रद्धालु आए हैं। आइए अब हम सीधा लहानू जी इंगले हैं जो श्री मंगलदीप बैंड पार्टी के संचालक, उन्हीं से जानना चाहेंगे। लहानू जी, ये बताएं कि जिस तरह से आज आप यहाँ आए हो, जो पूजा अर्चना की है, हजारों की तादाद में लोग आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? आज हम अनसुया माता के दरबार में, अनसुया माता के देवस्थान में पारट सिंगा आए हुए, और हमारी बैंड अनसुया माता की कृपा से और अनसुया माता की दी हुई देन है, क्योंकि मेरे को सन 1991 के अंदर में माता को मैंने मांगा था। मैंने बोला था, माता मेरे को बैंड के अलावा कोई काम नहीं आता और मैं ऐसा ही करते रहूँगा। और उस समय पे मेरा जो बचपना था, या मैं 18-19 साल का था, तो फिर माता के सामने मैं जगदीश बैंड पार्टी के साथ में हमेशा आता था, और मैं सोचते सोचते फिर माता के सामने एक दिन गया और मैंने बोला, माँ कल को मेरी शादी ब्याह होंगे, बाल बच्चे होंगे, मेरा जीवन कटेगा, तो मैं ये स्थिति के अंदर में कैसा, मेरा इतना बड़ा मेरे पीछे बहुत माँ बाप भाई बहन सभी लोग थे, पूरा परिवार को मेरे को देखना था, तो ऐसे स्थिति में माता के सामने मैं कुछ मांगने आया, और मांगने आया तो माँ ने स्वयं अपने शब्दों में मैंने जो बोलना था मैंने वही बोला, क्या माँ मेरे को बैंड के धंधे के अलावा और बैंड बजाने के अलावा, बैंड के काम के अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। तो माँ ने मेरे को स्वयं अपने शब्दों में
स्वयं अपने भाषा में साफ शब्दों में जवाब दिया, जा माने तुझी पार्टी होते अना चांगली पार्टी होते, ये अनसुया माता के शब्द है। और आज मेरे को 30 साल हो गए, मैं 30 साल से सन 1991 से अभी तक मैं माता के दरबार में आता, मेरा ये 30वां साल है। आज हम लोग बड़े खुश नसीब और भाग्यशाली है कि इतने बड़े उत्साह मेले में, उनके जन्मदिन मेले में हमें हर साल 10 तारीख या 11 तारीख, आज का आखिरी दिन है यहाँ पे सप्ताह का, पर 10 तारीख या 11 तारीख को हमारी पूरी बैंड की टीम, हमारे पूरे 75-80 कलाकार, हमारी पूरी पूजा, हमारे साथ में पूरे नागपुर के भक्तगण, ऐसी पूरी भक्तगण मंडली यहाँ पे आते हैं। और हम बड़े धूमधाम से बड़े बाजे गाजे के साथ में माता के भजन, माता के गीत गाते हुए पूरे अपने सर पे पूरी माता की पूजा रख के माता के दरबार जाते। और ये सौभाग्य हमारा है कि इतना उत्साह मनाने के लिए आज भी मैं यहाँ पे आने के बाद में मैं दर्शकों आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे माता है ही नहीं, मेरे को माता साक्षात यहाँ पे नज़र आती है, माता को रूबरू मैं बात कर रहा हूँ, माता के मैं दर्शन ले रहा मूर्ति रूप में रहने के भी बाद मैं ये पूरे माता को अपने आप में देखते रहता हूँ, माता को अपने सामने देखते रहता हूँ। और आज हमने पूरे बैंड के साथ में पूजा किए, पूरे हमारे भक्तगणों के साथ में पूजा करे, फिर से मैं एक बार बहुत भाग्यशाली हूँ, ये माता की बैंड पार्टी है, माता का दिया हुआ प्रसाद है, ऐसा ही माता चाहेंगी। अब कितने साल चाहती है और कितने साल हम रहते, पर माता का ये उत्साह हर साल हम बड़े धूमधाम से मनाते रहेंगे। और इसी के साथ में सदगुरु अनसुया माता की जय बोल के मैं बिल्कुल माता के दरबार में अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो आप थे श्री मंगली बैंड पार्टी के संचालक लाहनु इंगले, जिन्होंने बखबर बेबा के साथ अपने अनुभव शेयर करते हुए ये बताया कि माँ की कृपा दृष्टि किस प्रकार से थी और आज भी असीम कृपा ये बनी हुई है। और जैसे कि उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि श्री मंगली बैंड पार्टी की स्थापना करने का उनका काफ़ी मन था और बैंड पार्टी ही उन्हें करना था, काफ़ी दिक्कतें आई मगर माँ के सामने में कोई भी दिक्कत नहीं रुक पाई और आखिरकार माँ की कृपा दृष्टि हुई और आज श्री मंगली बैंड पार्टी मात्र नागपुर शहर नहीं, मात्र विदर्भ नहीं, मात्र महाराष्ट्र नहीं, मात्र भारत नहीं, बल्कि श्री मंगलदीप बैंड पार्टी आज सात समंदर पार हो चुकी है। कई लोगों को आज श्री मंगलदीप बैंड पार्टी में बुलाया जाता है और ये जो सम्मान मिला है, ये जो शौहरत इज्जत और आज ये जो असीम कृपा जो बनी हुई है श्री मंगलदीप बैंड पार्टी के संचालक लाहनु इंगले इन पर हुई है, क्योंकि माँ की जिन्होंने सही मायने में सेवा की, निस्वार्थ भावना से जिन्होंने सेवा की, यकीनन माँ ने उनको फल फूल दिया है, एक बरगद विशाल पेड़ जैसा एक छाया दी है, अपने आंचल में उन्हें लिया है। ठीक इसी प्रकार से माँ के और भी एक भक्त है जो माँ को नहलाते थे, माँ का भोजन करवाते थे, ऐसे पारट सिंगा की निवासी श्री उत्तम भाव भी हमारे साथ में, उनसे जाना चाहिए। उत्तम भाव ये बताइए कि वो कैसा दौर था, कैसा महसूस करते जब माँ को आप सुबह नहाने के लिए लेके जाते थे, बाद में माँ खाना खाती थी, क्या अनुभव है ये बताइए, क्योंकि तमाम ये दर्शक लोग पूरे भारतवर्ष इस समय आपको देख रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी, मैं 1964 पासून माझा मी सन्निध्यात आलेला आहे। माईबाईचं पूर्ण रूपानं कशा रूपानं शक्ती आहे ते आम्हाला म्हणजे मनोमनी अशी प्रचेतात आलेली आहे। मी दररोज त्या मातेच्या जुन्या मंदिरामध्ये जरा सळा सारवण पाणी साफसफाई पूर्ण असं सेवा करायची, त्या ठिकाणी आईला मी म्हटलं का बा पोटोबा आणि विठोबा मला हे दोन्ही पाहिजे, तर त्या कारणाने आई म्हणे फुलं घेऊन येतो म्हणजे एक थैलीभर एका थैलीचे फुलाचे। गजानन महाराजचा प्रगट दिन उत्सव होता त्या ठिकाणी कलमेश्वरला, त्या ठिकाणी मी मातेच्या सोबत गेलो, त्या फुलाचे मला 1000 रुपये त्या 40 वर्षाच्या अगोदर आले, त्या फुला दुकानावर फुला त्या पैशांनी मी दुकान टाकले आणि माईची अशी कृपा झाली का मी तुम्हाला सांगू शकत नाही। आज माझ्या दुकान टाकलं आणि या ठिकाणी दुकान नंबर 3 कृपा
प्रसाद म्हणून त्या दुकानाचं नावसुद्धा मी ठेवलेलं आहे. असे मी अनेक चमत्कार मी मायबाईचे पाहिले. मी ते सांगतो माझ्या माझ्या डोळ्यासमोर तिथं चौकात दुकान होतं जुन्या मंदिरामध्ये, तिथे वीज पडली, त्या मी स्वतः त्या ठिकाणी दुकानामध्ये हजर होतो. त्या ठिकाणी ज्यावेळी वीज पडली कळाल की वीज आले मंदिरा मा मोठा जात लोड असा माझ्या मंदिरामध्ये घुसला. त्या ठिकाणी पूर्ण म्हणजे असे फोटो पडले, धुवट झाला असा, चिमण्या वगैरे पाखरं वगैरे मरण पावले. पण जिथं 50-60 असे एवढे पब्लिक होती त्या ठिकाणी थोडासासुद्धा आजसुद्धा आला नाही. एवढा मोठा फोटो खालती पडला, त्या फोटोचा काजसुद्धा एका भक्ताला उरला. ज्या ठिकाणी भक्त होते नाही त्या ठिकाणी असा अलग ठेवल्यासारखा तो फोटो आला. म्हणजे केवढा मोठा चमत्कार ह्या झाला आईना. हो, फोटोचं रूप एवढं आईचं मग समोर अशी जीप काढली होती आईनं का केवढा मोठा चमत्कार असा आईनं हे केलं. ते जीपसुद्धा फोटोमध्ये बाहेर आली होती. तो एक विशेष होता म्हणजे एवढं मोठं आईची कृपादृष्टी. आणि तसं त्याप्रमाणे दररोज आईला मी आंघोळ करायचा, आंघोळा एक एक तास फिरायला न्यायचा. आईनं 1 किलोमीटर असं या एका ठिकाणी म्हणजे आईला चालू दे असं रोडनं खूप दूर नेलं मला. म्हणजे गाडी घोडे याचे बसायचे ना अजिबात, चाल 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 समोर. खानगावच्या समोर एक बाभरीचं झाड आहे, त्या झाडाखालती आई गेल्या. आणि म्हणजे कळे वर्षापासून हे मूर्ती वाट पाहून राहिली होती म्हणजे माझी इथं याची. तर त्या ठिकाणी काय आईनं नारे फोडलं आणि नारे फोडल्यानंतर सर्व झालं म्हणे आता काम चाला म्हणे. आता म्हणलं गाडीचं नाव घेतल्याबरोबर आईच्या पायापाशी गाडी. म्हणजे असे कळे चमत्कार झाले. मरियमनगरमध्ये नागपूरला मी स्वतः डोळ्याने एक मुलगी मरण पावली. त्या ठिकाणी माझं दुकान होतं, दुकान याच्यासोबत घेऊन जायचं. त्या ठिकाणी ते लोक आले म्हणजे पाण्याच्या टंकीमध्ये मुलगी मरण पावली होती. माझ्या देखत त्या मुलीनं आई वडील आले 6 वाजता. म्हणजे आम्ही काय गुन्हा केला बा, कसं घडलं. आईला त्या मुलीला मेलेली, पूर्ण मुली मेलेली जिवंत होती. मी पाहिली स्वतः डोळ्यानं पाहिली. आई गेल्या, आईच्या समोर ठेवलं आमच्या हातानं, असं का गुन्हा झाला, काहून असं घडलं आहे. आईनं थोडं पाणी शिपल्यावर आई तेव्हा जिवंत झाली. हा मी डोळ्यानं पाहिला. निंबी माता की जे मोर्शी आपल्या मोर्शीपाशी निंबी म्हणून गाव आहे 15 किलोमीटर. त्या ठिकाणी मायबाईची यात्रा होती. त्या ठिकाणी सर्पदंशाने गाय मरण पावली होती. त्या ठिकाणी ते पाटील वगैरे आले, त्यांच्या दरवाज्याच्या समोर पालखी आली, असे विनंती करून आले, आई आमच्यावर काही कृपा करा कोण करा. रात्री सर्पदंशाने गाय मरण पावली. आई म्हणे आण म्हणे भाकर, पाणी आण म्हणे. पाणी आणि भाकरीच्या गिलासात काचवलं आणि जबरदस्तीनं तिला पाजलं. त्या तोंड फाळू आईनं थोडं म्हणजे पाणी पाजलं, आपल्या धोट्याने पाणी पाजले. आणि आईला असं थोडं सामोर नाही गेलं तर सर्व आले म्हणत, अरे गाय जिवंत झाले. असे मी किती चमत्कार पाहिले. असे इथं समाधीनंतर आईची पूजापाठ होती, श्रीयंत्राची स्थापना होती. त्या ठिकाणी पण वळसा राजोरा वळसा चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक आजीबाई आली. त्या ठिकाणी लूच्या बिमारीने ते मुलगी मरण पावली होती, गाडीतच मरण पावली होती. ते आली आणि आमची पूजापाठ चालू होती. खूप लढत आले आणि पूजा असतानाच त्यांनी म्हटलं आमचं असं झालं. त्या मुलीला पुजारी म्हणजे प्रेमनाथ महाराज मुली नेमावरचे आहेत, त्यांची मोठी पूजा होती. ते ब्राह्मण आहे, ते ब्राह्मण त्यांनी हातावर घेतली त्या मुलीला आणि समाधीवर ठेवली. 5 मिनिटी नाही झाले तर आई तिथं म्हणजे ती मुलगी एकदम उठून बसली समाधीवर. हा मी डोळ्याने पाहिलेला चमत्कार आहे. बिलकुल जिस प्रकार से उत्तम भाई ने जो बताया है कि किस प्रकार के चमत्कार यहाँ पे हुए, और खास जैसे कि हमने लहानू इंग्लैंड से जब उनका जो किस्सा सुना तो उन्होंने अपने अनुभव में कहा था कि उनको सिर्फ बैंड पार्टी होना था तो माँ ने उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि की. ठीक उत्तम भाई ने भी माँ से कहा था कि माँ मुझे कुछ करना है, तो माँ ने उनको एक टोकरी फूल लेके आने के लिए कहा था. आज बहुत बड़ी फूलों की दुकान श्री गुरु कृपा के नाम से है और ये कृपा प्रसाद के नाम से, और हमेशा भक्तों को ये अपने दुकान से इनके फूल लेते हैं और माँ के निस्सीम भक्त. यूँ तो कई ऐसे वाक्य कि अगर हम बताने चाहे तो पूरे 1 साल लग जाए. इतने चमत्कार के ऊपर में चमत्कार है. लेकिन अन्य भी भक्त हैं, उनसे भी बात करना उतना ही जरूरी है. इस समय में हमारे साथ में नागपुर के महेंद्र वाकोडीकर जी है, उनसे जानना चाहेंगे. वाकोडीकर साहब, ये बताएं कि जब माँ का जन्मदिन था तो माँ ने आपको बिल्कुल गले लगाया, चूमा आपको, कैसा लग रहा था उस समय में? ऐसा जन्मदिन 5 तारीख को, हर 5 तारीख को हमारे घर पर प्रत्यक्ष होता है, जहाँ माता अनुसुईया स्वर्ण अपने रूप में आकर खेलती है और सबको प्रसाद देती है. तो मेरा ऐसे अनुभव है, मेरा कुछ ज़्यादा एक 17-18 साल का अनुभव है. मेरा माता शरीर छोड़ने के बाद में ही मेरा माता से संपर्क हुआ है और मैं माता के शरण में आया हूँ. तो मैं काफ़ी पहले थोड़ा सा ठीक था, लेकिन
2005-2006 में मेरा सब कुछ छूट गया था। मैंने सब दुकान काम धंधा सब मैंने भाइयों को दे दिया था, तो मैं पूरा खाली हो गया था। मेरा यानी ऐसी परिस्थिति आ गई थी मेरी कि मैं 50 रुपये का दूध अपने बच्चों को नहीं खिला सकता था। तो वहाँ मेरे को माँ ने बोला कि माँ मैं अभी क्या करूँ। मैंने माँ को बोला मैं क्या करूँ अभी, मैं तो सब कुछ दे दिया सबको, सब भाइयों को पढ़ाया लिखाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने बोला माँ को मैं क्या करूँ, तो माँ ने मुझे बोला तुझे पास कितनी पैसा है। बोला मैंने माँ को मेरा मतलब 500 रुपये भी नहीं है बोला माँ मैंने। तो बोले जितने धन जितना होगा उसमें धंधा चालू कर बोले। तो मैंने किसी से 2000 रुपये लिया और उससे मैंने अपना काम चालू किया, गाड़ी से माल बेचा, ये बेचा वो बेचा। आज 10-12 साल में मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि 10 लाख के गाड़ी पे घूमता हूँ और माँ के मंदिर में हंसी खुशी आता हूँ और माँ के चरणों में लतमस्तक होता हूँ। माँ ने मुझे गाड़ी ऐसी परिस्थिति में दिला के दी जिस समय में मेरी गाड़ी लेने की हैसियत ही नहीं थी। उस दिन मेरे को माँ ने बोली जा रहे महेंद्र बोले गाड़ी घेऊन ये मने। मला माँ कुठून गाड़ी घेऊन, माझ्या पाशी तो पैसेच नाही हो, नाही नाही होते मने। धनतेरसच्या दिवशी गाड़ी घेऊन ये मने। तो मैंने जाके कुछ टोकन दे के शोरूम में गाड़ी बुक करके आ गया। तो मैं फिर बाद में सोचते रहा कि मैं कैसी गाड़ी लाऊँ, इतनी 10 लाख रुपये की गाड़ी मैं कैसी लाऊँ। तो कैसी कैसी हो गया उसके कृपा से, और वो गाड़ी भी आ गई, गाड़ी की किस्त भी ख़त्म हो गई, सब बढ़िया चल रहा है। और मैं इतना हंसी खुशी हूँ कि माँ के जन्मदिन में मैं ऐसी कई ये कर लेता हूँ तो पता नहीं चलता है कि मैं खर्च करता हूँ कि नहीं करता हूँ करके। मेरा खजाना खाली ही नहीं होता उसके खर्च करने से। मैं इतना खर्च करता हूँ लेकिन मेरा खजाना ही खाली नहीं होता, मेरा पैसा जहाँ के वहीं रहता है और कमी नहीं होता उसके खर्च करने से। मैं खर्च करते रहता हूँ उसके कार्यों में, उसके इसमें। मेरा अनुभव बहुत है, ऐसी बहुत चमत्कार है जीवन में बताने के वो हमेशा बोलती है कि महेंद्र मैं तुझा बाजूनच राहतो, तुझा पाठीशीच राहतो, हमेशा तुझा गाडीमध्येच बसली राहतो। मला याचा प्रत्यक्ष अनुभव भरपूर वेळा झाला आहे, पण आता नेमके 1 महिना पहिलेची गोष्ट आहे, माझ्या गाडीवर कोणीतरी हात टाकायला पाहिलं, त्यांनी कोणी असामाजिक तत्व होतं त्यांनी माझ्या गाडीवर हात टाकायला पाहिलं, कोशिश केली माझ्या गाडीवर हात टाकायची। पण 4 घंट्याच्या अंदरमध्ये मायानं तिच्या गाडीचं टायर असं फोडलं का त्याला अनुभव झाला का हे माय अनुसयाचं भक्त आहे, याचा गाडीवर हात टाकून मी खूप मोठी चूक केली। त्यांनी अनुभव मला शेअर केलं, त्या ज्यांनी गाडीवर हात टाकलं। तर असे भरपूर अनुभव आहे मा अनुसयाचे माझ्या जीवनामध्ये। माझ्या जीवनामध्ये मी शेअर करू शकत नाही असे प्रत्यक्ष बारे छोटे छोटे अनुभव आहे, भरपूर अनुभव आहे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार माता की जय, जो महेंद्र वाकोडीकर इन्होंने जो बताया है कि कोई भी अगर बुरी नज़र रखता है तो उसका क्या हश्र होता है, ठीक इसी प्रकार से इनके गाड़ी के ऊपर भी कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। हमला करने के बाद में उन्हें भी इस बात से ज्ञान मिला कि क्या होता है, क्योंकि माँ ने उनको सबक दिया था। चाहे बच्चे तो सब अच्छे होते, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, और माँ के लिए सब बच्चे होते हैं, लेकिन जो अपनी गलती का एहसास करके जो चरणों में आए, अपनी गलती जो स्वीकार करे, उसे यकीनन माफ़ी मिलती है। माँ ने उन्हें भी माफ़ कर दिया होगा। तो ये ऐसे कई भगत लोग हैं कि जिनके अपने ऐसे ऐसे अनुभव है कि जब सुनते हैं तो सुनने का ही मन करता है। ऐसे नागपुर के एक हमारी श्री मंगलदेव बैंड पार्टी लहानू इंगले, इनकी पत्नी सौ कविता इंगले जी हमारे में साथ में है, जो आज पूजा की थाली सिर पर रख के नागपुर से आई थी, उनसे भी जानना चाहेंगे। कविता जी ये बताइए कि कैसा महसूस कर रही हो जब आप पूरा बैंड पार्टी के साथ जब चल रही थी, आपके सिर पर वो थाली थी, क्या माँ की कृपा दृष्टि थी, कैसे अनुभव है, क्योंकि माँ से भी आप मिली थी, क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं सभी भक्तों को, जो अनुसयमा के सब भक्त हैं, मैं उनको सबसे जय अनुसयमा ओली बोलना चाहूँगी। माँ की लीला इतनी अनंत है कि हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर पाते हैं। माँ ने इतने चमत्कार किए हैं कि एक अगर माँ का चमत्कार अभी भी बोलने जाए तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, पर माँ के चमत्कार कभी ख़त्म नहीं होंगे। लोग बोलते हैं कि माँ गई है, पर हम बोलते हैं कि नहीं, माँ गई नहीं है, माँ हम लोगों के बीच में ही है। माँ ने इतने चमत्कार जाने के बाद में भी किए हैं,
और आज हर एक भक्त से अगर पूछा जाए और बोला जाए कि तुमने माँ में क्या देखा, हर इंसान यही बोलेगा कि हमने तो कनकन में माँ को देखा है, माँ तो कनकन में विराजमान है। मेरा अनुभव तो यह है कि जब से मेरी इनके साथ में शादी हुई, माँ ने मुझे दोनों हाथों से नवाजा है, दोनों हाथों से भर भरा के दिया ही है और माँ आगे देती ही रहती है। कुछ मेरी बेटी शायद पेट में थी तब का मैं किस्सा ज़रूर से बताना चाहूँगी। मेरे ये गाड़ी चला रहे थे कि इनका एक्सीडेंट हो गया। तब ना मोबाइल था ना और कोई चीज़ें थी, मतलब जितनी आज टेक्निकली जो चीज़ें हैं तब वो उस समय में नहीं थी। तो मुझे माँ ने इनका एक्सीडेंट दिखाया कि पाई मैंने लाइना से एक्सीडेंट होने वाला, तो मैं लड़ने की आदत है मुझे, तो मी भांडायला लागली की म्हणजे असं कसं तू असताना ॲक्सिडेंट होणार आहे, मग हे पोटामध्ये आहे तर मी याचं काय करायचं। आई खूप गदगद गदगद हसली जशा आई हसायच्या। आईनी खूप असं वरती, आता ते दादांनी सांगितलंच उत्तम दादांनी की आईनी वीज दिला असं तोडलं, तसं आईनी आपला हात वरती केला आणि आई खूप जोरजोराने हसायला लागली। आणि हसल्यानंतर आईनी तो आगेचा गोळा घेतला आणि आपल्या दोन्ही पावलांच्या मध्ये टाकला। मी म्हटलं आई हे काय, तर म्हणे बस जा म्हणे वाचला ना म्हणे लाईन आहे म्हणे का खरंच का म्हणे, म्हटलं हो म्हटलं आई असं तर होऊ शकत नाही म्हटलं की तू असल्यावर हे सगळं होणार। हा सगळ्यात मोठा चमत्कार। लगेच मला यांचा फोन आला म्हणे माझा ॲक्सिडेंट झालेला आहे। म्हटलं हो तुमचा ॲक्सिडेंट असा असा झाला आणि या या पद्धतीचा ट्रक होता, तो ट्रक सिलेंडरनी भरलेला होता आणि यांच्या गाडीनी पलटी मारलेली होती, 3 की 4 गाडीनी 4-व्हीलरनी पलटी मारली होती, पण यांना एवढीशी सुद्धा इजा झालेली नाही। फक्त आईच्या गाडीमध्ये जी फोटो होती, कारण की ती गाडी मी माझी म्हणू शकत नाही, कारण की ती दिलेली गाडी आईची होती, आईची फोटो अशी आडवी होऊन गेलेली होती, पेट्रोलची टंकी फुटलेली होती, पण यांना एकही इजा झाली नाही। हा माझा सगळ्यात मोठा अनुभव आहे। आणि लगेच मग त्यानंतर आई तर आहेतच प्रत्येक क्षणाक्षणात आणि कणाकणात, मग आईनी दिवसेंदिवस तिच्या लीला वाढवत गेल्या आणि आज आई मूर्ती स्वरूपात आमच्या घरात सुद्धा विराजमान झालेल्या आहे। आणि तिथे पण येणाऱ्या भक्तांच्या वाटेल तशा इच्छा आई पूर्ण करून घेते। आणि सगळ्या माऊलींना सगळ्या भक्तांना मी एकच विनंती करेल की आई आपली ही गेलेली नाही आहे, आई आपली आहे आणि आई असताना ज्या लीला होत होत्या त्याच्या लाखो पट लीला ती आता करते। म्हणून मी एवढंच म्हणणं चाहेल की आईचा जे लीला आहे सगळ्यांनी आईच्या मंदिरामध्ये यावं आणि दर्शन घ्यावं, एवढंच म्हणणे। सगळ्यांना जय अनुसया माऊली। बिल्कुल कविता इंगले, इन्होंने जिस प्रकार से ये जो बात कही है और उन्होंने अपने जो अनुभव शेयर किया है, एक एक्सीडेंट का वाक्य उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट किस प्रकार से होने वाला था, इसको सूचित किया गया उनके ख्वाब में आके, और जब उन्होंने माँ से कहा कि माँ ये कैसा, तो माँ ने सूरज का गोला अपने दो पाँव के नीचे में दबाया। इसका मतलब वो जो कुछ उनके ऊपर जो पीड़ा जो आने वाली थी, जो कष्ट जो बाधाएं जो आने वाली थी, उसको दूर करने का काम माँ ने किया। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ का हर बच्चे की तरफ ध्यान होता है, यकीनन बच्चे का भी ध्यान होना चाहिए, और माँ के इंगले परिवार हो, वाकुड़कर परिवार हो, ऐसे कई परिवार माँ के लाडले बेटे हैं और माँ की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। और भी एक सद्भक्त हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सर आपके क्या अनुभव है, क्या कहना चाहोगे आज? मेरे अनुभव ऐसे है कि मैं माँ रहते हुए समय से आता था, एक छोटी मोटी गाड़ी लेके आता था, कभी बस से आता था, लेकिन माँ के पास जब भी कुछ रोना लेके आया माँ ने मुझे उसका सॉल्व किया है। और ऐसी ही माँ जितने सॉल्व करती थी कि हर दुख में मेरे साथ में रही, और अभी भी माँ मेरे साथ में है, और माँ के भरोसे ही मैं सब कुछ काम करता हूँ। माँ के सिवा कोई आशीर्वाद नहीं है इस दुनिया में। ये माँ है, जो अपनी माँ है वही ये माँ है। माँ को पहचानने वाला इस जग में कोई नहीं है। माँ की इतनी उन्नति है कि हद के बाहर है। जो माँ से दुखी है वो सदा सके दुखी नहीं रह सकता। माँ इतनी देती है माँ प्रसाद कि आप भक्तों से पूछो तो बता ही नहीं, कि बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन कोई आप ये नहीं कर पाओगे कि माँ ने हर भक्तों को रुलाते हुए नहीं भेजा है, हंसते हुए भेजा है। माँ के पास हर भक्त रुलाते हुए आया है। और माँ के इतनी कुछ मेरे साथ में घड़ी हुई घटना है, मैंने जो जो मांगा माँ के, माँ को अपने बहनों के लिए मांगा, कुछ अपने भाई के लिए मांगा था, सब कुछ मुझे माँ ने दिया है। और मेरे साथ में ऐसे चमत्कार घड़े हैं जैसे भाभी जी ने, हमारे भाई लोगों ने बताया है। अभी ऐसे मेरे साथ में भी बहुत कुछ चमत्कार घड़े हुए हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ, माँ की इतनी उन्नति है कि मैं बता नहीं सकता क्या बताए। माँ का बताते ख़त्म हो नहीं पाएगा और आप सुन नहीं पाओगे, इतनी चमत्कार है माँ के। यही मैं दो शब्द बोल के विराम करता हूँ। तो दर्शकों, हम थे पारसिंगा में, जहाँ आई अनुसुया इनका निवास है। और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव को लेके नए नए प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और दूर दराज से पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर में भी बसे माँ के जो भगत है बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। हमने
तमाम भक्तों से बातचीत की, उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया। हर किसी ने एक ही कहा कि माँ हमेशा अपने बच्चों को, भक्तों को अपने आंचल में लेती है, आंचल में यकीनन जरूर लेती है, और हर भगत यहाँ पे माँ के चरणों में लीन होने के लिए, नतमस्तक होने के लिए आता है। जब भी माँ से मिलते हैं खुशी का इजहार होती है। माँ भले आज शरीर से हमारे साथ में न हो, मगर वो विदेही अनुसया माता है, सच्चिदानंद स्वरूप अनुसया माँ है, जो आज भी विराजमान है और लोगों को कई अनुभव आ रहे हैं। लोग दूर दराज से आते हैं, और यही एक बात है कि पारट सिंगा ये पूरे भारतवर्ष का एक पावन स्थली के नाम से पूरे विश्व में पूरे नकाशे पे आ चुका है, और लोग दूर दराज से आके अपनी मन्नत को पूरे करते हैं और माँ के चरणों में माथा टेक के उनका आशीर्वाद लेके यहाँ से आते रोते रोते हैं, मगर जब जाते हैं सुख लेकर, आनंद लेकर, हंसी लेकर यहाँ से विदा होते हैं। और इसीलिए दर्शकों, ये था पारट सिंगा निवासिनी अनुसया माँ, इनके ऊपर में बनाई गई यह स्पेशल रिपोर्ट। अगली बार फिर हम ऐसे ही शहर के किसी अन्य मंदिर को लेके, अन्य उनकी प्रतिमाओं को लेके, उनके अनुभव को लेके हम आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक दीजिए पारट सिंगा इस प्रांगण से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे को इजाज़त। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल BCN न्यूज़ नागपुर। नमस्कार। अम्बा माता की जय, अनुसया माता की जय, सारे बोलो अनुसया माता की जय जय जय। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज़ नागपुर।